अल्लाह रहमान रहीम। वेक्टर की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ा था, लॉ ऑफ प्रोजेक्शंस पढ़ा था। उससे पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी और प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात की। आज जिसके बारे में बात हो रही है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का एक और नाम भी है विच इज़ क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी कि दो वेक्टर के दरमियान ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो उसको स्केलर बनाए डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर के दरमियान ऐसी मल्टीप्लिकेशन जो इसको वेक्टर बनाए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाया जाता है। लेट्स सपोज ए इज़ अ वेक्टर, बी अनदर वेक्टर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए क्रॉस बी। तो ये किसके इक्वल है, ए की मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर जो उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जो ए और बी की वजह से बनती है, ए क्रॉस बी। इसके बारे में इंशाल्लाह तो डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की जो डिडक्शंस हैं, जो चंद चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डॉट में पढ़ा था उसको हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने कहा था आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के ऑलवेज इक्वल टू वन। लेकिन यहाँ नहीं है, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि के क्रॉस के में जो एंगल है विच इज़ थीटा वो हमेशा ज़ीरो है और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वजह से इसकी डायरेक्शन का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, बट जे क्रॉस आई के नहीं होगा बल्कि माइनस के होगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। इसी तरह जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हो जाएगा, लेकिन बट के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई होगा। के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, बट आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे हो। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोगों ने देखना है। जिस तरह हम लोगों ने डॉट में पढ़ा था कि लेट कर लें यू एंड वी आर टू वेक्टर, हम लोग पढ़ा था u डॉट v अगर ज़ीरो हो तो हम कहते थे u इज परपेंडिकुलर टू v। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर u क्रॉस v इज इक्वल टू ज़ीरो है तो u इज पैरेलल टू v। एक और कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि u डॉट v इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है और u और v दोनों नॉन परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या होता है, आइदर u इज इक्वल टू ज़ीरो और v इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह अगर u क्रॉस v इज इक्वल टू ज़ीरो है और u v दो नॉन पैरेलल वेक्टर हैं तो इसका रिजल्ट भी यही होगा कि आइदर u इज इक्वल टू ज़ीरो और v इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लोगों ने MCQs लेवल पे हम लोगों ने देखा। दूसरी जो बात है कि डॉट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, लेकिन क्रॉस में ये होल्ड नहीं करेगा। u क्रॉस v डज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u। इसको हम लोगों ने ध्यान में रखना है MCQs लेवल पर।